सीएम योगी आदित्यनाथ कल सहारनपुर के दौरे पर थे। यहां सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं के साथ अधिकारियों के साथ मीटिंग की, लेकिन इस दौरे के दौरान एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। दरअसल सीएम योगी ने अपने इस दौरे के दौरान अपनी मौसी और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, घर गृहस्थी का हालचाल जाना, बच्चों को चॉकलेट और शगुन के रूप में कुछ नकदी भी दी। बता दें कि सीएम योगी की मौसी सरोज देवी अपने परिवार के साथ सहारनपुर के नवीन नगर इलाके में रहती हैं। सीएम योगी के सहारनपुर दौरे की खबर जैसे ही उनकी मौसी को लगी, वो उनसे मिलने के लिए तुरंत पुलिस लाइन पहुंच गई। सीएम योगी से मिलने वालों की कतार लंबी थी, उनकी मौसी भी उसी लाइन में थी, लेकिन जैसे ही सीएम योगी को मौसी के आने का संदेश मिला, उन्होंने सपरिवार उन्हें सर्किट हाउस बुला लिया, अलग कमरे में ले जाकर मौसी और उनके बच्चों से मुलाकात की, गृहस्थी और परिवार का हालचाल जाना और बच्चों को चॉकलेट और शगुन के रूप में कुछ रुपए भी दिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही, सीएम योगी से मिलकर उनकी मौसी और उनका पूरा परिवार बेहद ही खुश नजर आए। मौसी से मिलकर सीएम योगी भी काफी भावुक हो गए थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वहीं सीएम योगी से मुलाकात के बाद उनकी मौसी ने बताया कि कितने संघर्ष के बाद सीएम योगी यहां तक पहुंचे हैं। उनके संघर्षों को याद कर आज भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नाम सरोज बिष्ट। अच्छा लगा, बेटे से मिल के तो अच्छा लगेगा ही। कितने समय बाद मिले हैं? 4-5 महीने पहले गांव में मिले थे। कितने देर बात करी, क्या क्या बात करी, जैसे आज आप मिले गांव में? यहाँ पर आज तो नहीं, सिर्फ 5 मिनट परिवार के बारे में पूछा और बस। प्रोग्राम था वहाँ बहुत ज़बरदस्त, 5 मिनट आए थे मिलने। क्या क्या पूछा? परिवार के बारे में पूछा और कुछ नहीं, कैसे वो क्या है। फिर बच्चों को बुलाए, बच्चे भी जा रखे थे, बच्चों को बुलाए के करके क्या नाम है, पढ़ते हो, यही पूछा। कौन कौन लोग गए थे आप परिवार? हम गए थे, मेरा बड़ा बेटा गया था, ये धोता है मेरा, ये गया था, और 4-5 पोते गए मेरे, 2 पोते ही गए थे, एक धोता है ये गया था। कैसे लगते हैं आपके मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के? हाँ, अच्छा लगता है। जो देखो, मैं तो ये बोलती हूँ, मेरे को तो ये भी उतने जितने भी बने सर, लेकिन जो काम अच्छा करेगा वो सबको ही अच्छा लगेगा, एक मेरे को ही अपनी बात नहीं कर रहे, चाहे कोई भी हो। वही लंबे अरसे के बाद भांजे से मिलकर मौसी सरोज भी काफी खुश नजर आ रही थी, बच्चों में भी बेहद ही उत्साह का माहौल था। मेरा नाम मनीष नेगी है। हाँ जी, अच्छा महसूस बड़ा अच्छा हुआ, इतने टाइम बाद मिला हूँ, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था उनसे मिलने का। मैं कभी भी मिला हूँ उनसे, तो मैं यहाँ पर रुका हुआ था, आया हुआ था रक्षाबंधन के टाइम नानी के घर, तो मैं उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। बस ऐसी 5-10 मिनट बात हुई, पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हो, घर पे कैसे हैं सब, तुम्हारी दीदी क्या कर रही है, मेरी एक बड़ी बहन है वो क्या कर रही है, तुम क्या प्लान है आगे का, बीटेक के बाद क्या करने का प्लान है, ये सब पूछ रहे थे। आपका नाम? मेरा नाम गर्व बिष्ट है। बहुत अच्छा लग रहा। क्या क्या बातें हुई? उन्होंने बस क्लास पूछी, नाम पूछा और बस चॉकलेट दे दी। कितनी देर बात हुई आपको? क्या कितनी देर बात हुई, क्या क्या बात हुई? 5-10 मिनट हो गए होंगे। मैं बस नाम नूम पूछा और फिर बड़ों से बात कर रहे थे, करने लगे। कैसा लगा आज आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले हैं और आपको फैमिली मेंबर भी हैं? अच्छा लग रहा। आपको बता दें कि मई में सीएम योगी उत्तराखंड के दौरे पर भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पंचूर गांव पहुंचकर अपनी मां सावित्री देवी का आशीर्वाद लिया था। सीएम योगी की पांव छूकर मां का आशीर्वाद लेते हुए तस्वीर सोशल मीडिया में काफी पसंद की गई थी। मां और बेटे की मुलाकात के दौरान दोनों के चेहरे पर खुशी को साफ पढ़ा जा सकता था और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका परिवार आज भी बहुत ही सादगी से रहता है। उन्हें देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि मुख्यमंत्री का परिवार है और सीएम योगी की यही सादगी उन्हें लोगों के बीच काफी लोकप्रिय बनाती है। अपनी मौसी के साथ मुलाकात के दौरान भी उनका यही अंदाज देखने को मिला। तो आप भी इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।